नहीं ना, मैं अभी रिकॉर्डिंग को क्लिक कर रहा था। रिकॉर्डिंग अब आई थिंक अब शुरू होगी। रिकॉर्डिंग अब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी। हाँ जी, और चीज और क्यों क्वेश्चन, मैं ये डिस्कशन सेशन में आई एम गोइंग टू प्लान कि डिस्कशन जरा आपसे कर ली जाए, जो जो चीजें आपको, आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, उसको डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा था नेक्स्ट मंथ से टाइमिंग क्या होनी चाहिए, आप बताएं क्या टाइमिंग होनी चाहिए। वैसे मैं तो कहूंगा यही टाइमिंग, दिस टाइमिंग इज द बेस्ट टाइमिंग यार, मैं तो इसी को सूट करूंगा। हाँ, इसको मैं यूं कर लूंगा कि मैं कोशिश करूंगा, चले यार 8 बजे नहीं, ज्यादा अर्ली मॉर्निंग हो जाए 9 बजे कर लेते हैं, लाइक 9 to 10 कर लेते हैं। तो 9 to 10 तो आई थिंक इफ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको अर्ली राइजर होना चाहिए यार, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई थिंक सो, अगर आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि यू शुड बी द अर्ली राइजर, और अर्ली राइजर सुबह माइंड फ्रेश होता है। तो मैं वैसे ये कोशिश करूंगा कि टाइमिंग मॉर्निंग की ही रहे। हाँ, ये है कि 8 बजे नहीं तो चलो 8:30 कर लें, या 9 बजे तक भी कर लें, 9 to 10 कर लें, ये टाइम मैं प्लान करूंगा। आई विल टॉक टू मैनेजमेंट की यार इस तरह से प्लान हो जाए। रात को भी मैं कर सकता हूँ प्लान इवनिंग में, लेकिन इवनिंग में यार मेरे एक एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की काफी क्वालिफिकेशन है, तो मेरे एक एक्सपीरियंस ये चीज है कि इवनिंग के अंदर लोग फ्रेश नहीं होते कभी भी। पढ़ा दूंगा मैं भी आपको, आप लोग भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक फ्रेशनेस होती है एक चीज के अंदर, वो नहीं आती इसके अंदर। तो आई विल ट्राई टू बेस्ट कि यार 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock, 9 to 10 मैं कोशिश करूंगा कि टाइम रखा जाए। 9 से 10 बड़ा फ्रेश टाइम होगा और आप सब लोग उसमें आई थिंक आ सकते होंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि 9 to 10 मेरी क्लास होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर टाइमिंग का इश्यू है तो आई विल टॉक टू मैनेजमेंट कि थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाए, लाइक 8:30 से 9:30 इसको कर लिया जाए, फिर 9:30 से दूसरी क्लास कर लीजिए, इस तरह से मैं कर लूंगा। आई विल टॉक टू देम कि यार थोड़ा सा हमें लेवरेज दे दें कि 8:30 से 9:30 इसको करवा दें, और दूसरी जो भी टाइमिंग है जिस टाइम पे मेरी क्लास होगी उस टाइम पे कोई और क्लास नहीं होगी। ये एक बात मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद 2 क्लासेस एक ही टाइम पे होंगी, सिस्टम ही हमें अलाउ नहीं करता। सिस्टम एक टाइम पे एक क्लासेस ही, एक क्लास हम यानी एक टाइम पे हम एक कैफ की एक क्लास ही चला रहे होंगे, ये हमें पता है कि ऑनलाइन बच्चों में इशू आता है। एक बच्चा 10 से 11 का कह रहा है, 10 से 11 नहीं यार, 10 से 11 इज डिफिकल्ट, मैं क्योंकि जॉब पर्सन हूं तो आई हैव टू गो टू माय ऑफिस, तो आप समझते ही यार बॉसेस कैसे हैं आजकल के। अगर 10 से 11 जाऊंगा, 11 बजे यहां से निकलूंगा ऑफिस जाऊंगा, तो ऑफिस में वो कहेंगे जनाब आप घर चले जाएं, आप क्या ख्याल है। अच्छा, क्वेश्चंस की क्वेरीज मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूं। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंगली मैं चाह रहा हूं मैं आपसे डिस्कशन करूं। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे बोर्ड मिल जाए यार यहां पे कहीं। क्यों नहीं मिल रहा मुझे? एक बच्चा 1 से 2 का कह रहा है, आईपी बोर्ड पे क्लिक करें सर, आईपी बोर्ड पे क्लिक करें। आईपी बोर्ड तो है लेकिन यार ये आईपी बोर्ड का मेरे पास ना ये सॉफ्टवेयर है, आई थिंक सो शॉर्टकट सा है कि कहां रनिंग हो रहा है। ये इसका ड्राइवर है यार, आई थिंक सो आईपी बोर्ड आ किधर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही भी। ये 2 बोर्ड हैं, एक मिनट, जस्ट वन मिनट। नीचे टास्क बार में भी मेरे पास आईपी बोर्ड, आई थिंक यहां पे डिस्प्ले आईपी बोर्ड ड्राइवर है ये। एक मिनट, अभी मैं कराता हूं यार आपको, डिस्कनेक्ट। ये है आईपी बोर्ड इधर ही है,
निकल नहीं रहा मेरे पास। आप लोग थोड़ा गाइड करें यार मुझे, बोर्ड कहां से निकलेगा। ये है कि मैं अगर डिसकनेक्ट करता हूं तो दोबारा कनेक्ट करूंगा, उसमें मैं बोर्ड में कनेक्ट करवा दूंगा। ये मुझे आइडिया है कि जब कनेक्ट कर रहे होते वहां कुछ चीजें होती हैं जिससे हम कनेक्ट करें। मेरा 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 माइंड ये था कि वो आ नहीं रहा था, मैंने जल्दी से कोशिश की कि मैं पहले आपसे कनेक्ट हो जाऊं, चीजें बाद में मैं सर्च कर लूंगा। कहीं ना कहीं मिल तो जाएंगी मुझे चीजें कुछ मुझे। अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन आपके जनाब, अभी मैं चाह रहा था आपसे कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। लैपटॉप डेटा के अंदर मैंने रखा होता चीजें कुछ, लेकिन वो यहाँ आ गया। हाँ जी क्वेश्चंस, अच्छा एक वजह करें कि कंट्रोल आल डिलीट करें, कंट्रोल आल डिलीट करने से मेरी आपके साथ जो वॉइस चैट है ये डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसमें मुझे कोई आई थिंक सो है। चलिए आप क्वेश्चन कर लें बेटा, आपके जो पिछले आपने जो जितनी चीजें पढ़ी, कल का जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो आप सॉल्व कर लीजिए ना, आप उसमें कोई इशू। कल के जो क्वेश्चन में आपको अपोर्शनमेंट करने के लिए सब बेसिस क्लियर हैं, किसी की बेस में कोई मसला। अच्छा चलो मुझे, मैं आपसे थोड़ा सा एक वॉइस डिस्कशन में आपसे टेस्ट ले लेता हूं, आपसे टेस्ट कभी उस तरह से हुआ नहीं है। टेस्ट सेशन भी मैंने आपका प्लान करना है कि यार किसी तरीके से मैं आपको दूं और आप मुझे रिटर्न लिख के दें, टेस्ट में आपको चलो टेस्ट कर लेता हूं। चले मुझे ये बताएं आप, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि एब्जॉर्प्शन की बेसिस कौन कौन सी। सब लोग काइंडली मुझे अप्लाई करें, मैं अभी आपको टेस्ट कर लेता हूं कि कितना कितना आप लोग पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन की बेसिस कितनी होती है, नंबर हेड कितने होते हैं, और सारे हेड आपने लिख के दिखाने मुझे जल्दी क्विकली। एब्जॉर्प्शन की बेसिस कौन कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन की बेसिस मुझे आप काइंडली रिप्लाई करेंगे। हरी अप हरी अप हरी अप, एब्जॉर्प्शन बेसिस। कुछ बच्चे शायद वो वॉइस डिस्कशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट दे शुड अवॉइड यार, क्योंकि सबको मैं एक दफा में नहीं ले सकता आपको। हाँ जी मुझे जल्दी से आप लोग रिटर्न देंगे, एब्जॉर्प्शन की बेसिस कौन कौन सी और उनके नाम कौन से। बुक्स नहीं ढूंढने बैठ जाए या नोट्स जो आपने ढूंढे वो नहीं ढूंढने आपने, अभी तक रिप्लाई मुझे कोई नहीं आया, बताया नहीं आपने कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन की बेसिस होती है। यूनिट्स प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, प्राइम कॉस्ट, ये तो कॉस्ट ये होगी, इसके अलावा सिक्स बेसिस मैंने आपको बताई थी, आपने पूरी बताई नहीं मुझे। छह की छह बेसिस नहीं आपने मुझे बताई, बाकी सब लोग काइंडली बाकी सब लोग मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन की बेसिस कौन कौन सी। आपका टेस्ट है यार ये, आपने चार बेसिस मुझे बता दी होगी, वो भी एक बच्चे ने मुझे रिप्लाई किया, बाकी सब लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, फ्लोर एरिया। हाँ जी ये बाकी सब लोग क्लियर करें मुझे, फ्लोर एरिया और कॉस्ट ऑफ मशीन ये एब्जॉर्प्शन की बेसिस हैं। यार ये एब्जॉर्प्शन तो बेसिस नहीं है, तो अपोर्शनमेंट की बेसिस है यार, ऐसी कॉस्ट जो दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये तो अपोर्शनमेंट यूज होता है, एलोकेशन में यूज नहीं होता, अपोर्शनमेंट यूज होता है। एलोकेशन क्या होता है, ऐसी कॉस्ट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, सारी की सारी कॉस्ट हम उसी डिपार्टमेंट पुट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन।
हाँ जी हाँ जी अब एक बच्चे ने रिप्लाई किया डायरेक्ट लेबर आवर्स, अच्छा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर्स, ये कुछ हद तक ठीक है हमारे पास। ये ठीक है, चलो मुझे आप और रिप्लाई करें। फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, इसके पोर्शनमेंट की बेस क्या होगी, कैसे पोर्शन करेंगे इसको? फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस है। अच्छा एक बच्चे ने पूछा सर सर्विस कॉस्ट सेंटर में अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो तो वो भी ट्रांसफर कर लेंगे इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक बात याद रहे बच्चे, आपने जो सवाल किया है सर्विस कॉस्ट सेंटर में जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी लेगी, बेशक वो डायरेक्ट मटीरियल है बेशक वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर जो डायरेक्ट मटीरियल या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो बेसिकली इनडायरेक्ट ही होती है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स की प्रोडक्शन नहीं होती। जब प्रोडक्शन ही नहीं होती तो उसमें डायरेक्टली यूनिट्स पे कॉस्ट लगेगी कैसे, लग नहीं सकती। लेकिन हाँ लेबर ऐसी होती है जिसको हम पे उस मेथड से कर रहे होते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का नाम दे रहे होते हैं। तो बहरहाल सर्विस कॉस्ट सेंटर में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों की दोनों कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में ट्रांसफर जरूर करेंगे, ये करना पड़ेगा। फ्लोर एरिया, एक बच्चे में मैंने पूछा है कि फैक्ट्री की इंश्योरेंस को किस बेस पे पोर्शन करेंगे, तो एक बच्चे ने मुझे बताया जी फ्लोर एरिया। हाँ बाकी सब लोग बताएंगे ये ठीक बेस है, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंश्योरेंस, क्या ये बेस ठीक है, इज इट फाइन? अच्छा कंपनी के अंदर एक कैफे है, कैंटीन है, कैंटीन कैफे, कैफे की कॉस्ट हम कैसे अपोर्शन करेंगे ये बताएं, चले कैंटीन की कॉस्ट हम कैसे अपोर्शन करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हम कैसे, अच्छा एक बच्चे ने लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेबर, लेबर नंबर ऑफ इंप्लॉइज, ठीक है यार नंबर ऑफ इंप्लॉइज भी चल जाता है, नंबर ऑफ लेबर भी चल जाता है, लेकिन ये ना गिवन हो तो लेबर आवर्स भी चल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हम कैसे अपोर्शन करेंगे जल्दी? ये थोड़ा आपको रिलैक्सेशन आज दे रहा हूं, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं रहा आपको, चैप्टर खत्म हो गया, मैंने अभी आपको मॉडल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी स्टार्ट करना था आज आपका, मैं हिंट फिर भी आपको दे के जाऊंगा ये होता क्या, आइडिया दे के जाऊंगा। ये ठीक वेरी गुड यार, बच्चे पढ़ने वाले जनाब, ये अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, पावर्स ठीक है। चलिए एक सवाल का जवाब दे मुझे, अपोर्शनमेंट और री अपोर्शनमेंट दोनों में फर्क क्या है, ये डिफरेंस बताना है आपने मुझे, लिखना है सवाल आ गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपोर्शनमेंट एंड री अपोर्शनमेंट, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर ये टाइमिंग, अभी मैं कंफर्म कर लूंगा, मैनेजमेंट से बात करूंगा, क्लास की टाइमिंग मैनेजमेंट से बात करके चेंज करूंगा फिर अनाउंस करूंगा, अभी मैं टाइम आपका नया अनाउंस नहीं कर रहा, और वैसे भी 1 मई को आई थिंक छुट्टी आ रही है यार, उस दिन तो ऑफ है। बहरहाल मैं अभी मैनेजमेंट से बात करूंगा फिर आपका टाइम चेंज होगा, जब तक मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता नया टाइम अनाउंस नहीं करता आपका टाइम यही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली टाइमिंग चेंज करने का मसला नहीं है, मसला ये कि बाकी लेक्चर्स हो रहे होते हैं तो उसको देखना होता है। इस सवाल का जवाब दे मुझे, अपोर्शनमेंट और री अपोर्शनमेंट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपोर्शनमेंट एंड री अपोर्शनमेंट? सब लोग काइंडली रिप्लाई करेंगे, सब लोग हरी अब। एक बच्चे का रिप्लाई जनाब, इन एलोकेशन इन अपोर्शनमेंट वी एलोकेट द कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स दैट बिलोंग्स टू मोर देन वन डिपार्टमेंट, ठीक है, व्हाइल इन अ री अपोर्शनमेंट वी एलोकेट द सर्विस कॉस्ट एंड सर्विस कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली जनाब बिल्कुल ठीक है,
अपोर्शनमेंट में एक ही बेस लेकर करते हैं एंड रीअपोर्शनमेंट में बार बार ओवरहेड्स को ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन में। कुछ हद तक बात ठीक है ये मोइज की, लेकिन बेटा थोड़ा सा ये है कि अपोर्शनमेंट में एक ही बेस का मतलब क्या, डिफरेंट कॉस्ट होगी डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है वो। हाँ, एक कॉस्ट एक ही बेस पे हमारी अपोर्शन हो रही होती है, लेकिन द कॉस्ट दैट बिलोंग्स टू द मोर द कॉस्ट दैट बिलोंग्स टू टू और मोर देन टू डिपार्टमेंट, दैट कॉस्ट वी हैव टू डिवाइड इट बिटवीन द डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। एंड द कॉस्ट दैट बिलोंग्स टू द सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड अल्टीमेटली टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, दैट इज कॉल्ड रीअपोर्शनमेंट। जी, बाकी सब लोग भी रिप्लाई करें, हरी सब बाकी सब लोग कुछ ना कुछ रिप्लाई तो करें ना मुझे। चलिए, एक सवाल है हमारे पास, उसमें एक सवाल क्या है, सवाल जनाब ये है, पहले आप मुझे ये बताएंगे व्हाट व्हाई एब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल और नेसेसरली, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में बताना आपने, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, एब्जॉर्प्शन क्या है और ये नेसेसरी क्यों है ये बताना आपने जल्दी जरा। सब लोग रिप्लाई करेंगे यार, ये आपकी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, लैपटॉप पे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, दिस इज बेस्ट। ये जो पेन से आप लिखते हैं ना, अब दुनिया में जितनी भी एडवांस क्वालिफिकेशन आती जा रही है, हम जो रिसर्च करेंगे लाइक दुनिया में ACA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ ICAW, तो वहां पे सब ये टाइपिंग रिटर्न आ रहा है इसमें से। तो इसके अलावा भी आपने जब फील्ड में जाना तो रिटर्न लैपटॉप पे काम करना, जिसकी अच्छी स्पीड होगी दैट विल बी सक्सेसफुल। अच्छा, खैर बताएं मुझे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, ये रिप्लाई करना है आपने। ये आपका टेस्ट चल रहा है अभी, टेस्ट में ले रहा हूं, जो बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं इट मींस दे आर एंगेज्ड। आली आज के बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा, इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उबैद ने भी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं की, चंद लोग ही मैं देख रहा हूं। ऊपर नाम आसिम इमरान साहब को दिखा रहा है, ये नाम मेरा यार, मैंने जब कनेक्ट किया तो मैंने जल्दी जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश की कि मैं आपसे अटैच हो जाऊं। साद अशरफ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सुबान भी बहुत डिस्कशन नहीं कर रहा, बस ये पूछ रहा सर बता दे क्लास की टाइमिंग, बाकी सब लोग भी इन्वॉल्व हो भी, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, सब लोग मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन होता क्या। सब बहुत अच्छा रिप्लाई, द चार्जिंग ओवरहेड्स टू कॉस्ट यूनिट्स, दैट मींस द रेट्स सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर द ईच कॉस्ट सेंटर, ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन टेल्स अस अबाउट द ओवरहेड चेंजेस, ओवरहेड चार्जेस पर यूनिट, ठीक है, इट इज एसेंशियल बिकॉज इट शोज अस अबाउट द करेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बाकी सब लोग भी रिप्लाई करें, हरियफ 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 अली, आजम, सब लोग रिप्लाई करें। चलो मुझे एक और चलें, एक मुझे सिर्फ सब लोग रिप्लाई करेंगे ओएआर क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता क्या है, चलें ये सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। इस टाइम मेरे साथ 10 लोग इन्वॉल्व हैं, 10 के 10 लोगों को मुझे रिप्लाई आना चाहिए, व्हाट इज ओएआर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक ने लिखे सुबान लिखे बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल एक्टिव लेवल, नहीं बताया ये बजटेड एक्टिव लेवल है, ऊपर भी बजटेड ओवरहेड है नीचे भी बजटेड ओवरहेड है, ओएआर होता ही बजटेड है।
बजटेड ओवरहेड्स बजटेड बेस ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स बजटेड एक्चुअल ठीक है, सब लोग रिप्लाई करें। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। अली ये आपने यार एक जनरल सी डेफिनेशन लिख दी है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्टेड ओवर जल्दी। अच्छा मुझे ये बता दें 9 बजे के टाइमिंग में कितने लोगों को इश्यू हुआ है, मैं इसको देख लूंगा। हाउ मेनी पीपल हैव इश्यू अबाउट 9 o'clock टाइमिंग, 9 to 10 कितने लोगों को मसला है? मसले वाले लोग जरा मुझे काइंडली रिप्लाई करें, मैं देखूं यार 9 बजे अगर मैं क्लास रखता हूँ तो क्या होता है। सुबान कह रहा है, मलिक 7, 3 लोग हो गए, मोइज भी कह रहे 4 लोग हो गए। इस टाइम पे कौन सी क्लास होती है, ऑडिट क्लास होती है? इकोनॉमिक्स की होती है, ये मैं सारे कहते ये टाइमिंग बिल्कुल सूटेबल है। चलिए मैं कुछ करता हूँ उसमें टाइमिंग, मैं डिस्कस करता हूँ मैनेजर से कि किस तरह से इसको ट्रेन करें। यार बहुत मिक्सचर है आपकी डिस्कशन में, कोई कह रहा है आगे, कोई कह रहा है पीछे, कोई कह रहा है ये ठीक है, कोई कहता आगे। चले खैर आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट, मैं उसको देखूंगा यार कि किस तरह करना है। बाकी एक टाइमिंग क्लैश नहीं आएगा, ये तो इश्यू हम नहीं आने देंगे। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे सर सेकंड टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए, यार मेरे लिए तो कोई इतना इशू नहीं है, मैं और सिस्टम हमारा ऑफिस लेट ऑन होता है, हम छुट्टी भी लेट ही करते हैं, खैर वो एक सेपरेट इशू। अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ ये है कि यू विल बी द फ्रेश, ये एक बस है। अच्छा हसन साहब गुड फाइन, आप सब लोग कहां कहां से बिलोंग करते हैं काइंडली मेंशन करेंगे जरा कहां कहां से। एक बच्चा सियालकोट से, गुजरांवाला से है, पिशावर से है, रावलपिंडी, मियांवाली, मुल्तान, कुछ शहर रह गया यार मेरे ख्याल, लाहौर वाला कोई नहीं, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लास्ट टाइम हमारी डिस्टिंक्शन आई ऑनलाइन सीमैक के अंदर। रावलपिंडी ठीक है जनाब ठीक है,
ये आपस में डिस्कशन शुरू कर दी जनाब आपने। ठीक है ठीक है। अच्छा एलोकेशन, अच्छा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मॉडल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये पता आपको? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज मॉडल कॉस्टिंग, दोनों में जस्ट फर्क बताना है आपको। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और मॉडल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? बच्चे भाई सर आप कहां से बिलोंग करते हैं? भाई मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम हमारा लाहौर से बिलोंग करता है, मैं लाहौर से ही हूँ। हमें वैसे बहुत से कंट्रीज में रह के आया हूँ, लाइक आई हैव स्पेंड सम टाइम इन द मॉरिशियस, मॉरिशियस में रहा हूँ मैं, वहाँ पढ़ाता रहा हूँ। फिर आई हैव स्पेंड सम टाइम इन दुबई में रहा हूँ कुछ अर्सा, दुबई में हमारा पैक सेंटर है वहाँ भी रहा हूँ। और कुछ अर्सा मैंने मतलब कि बाकी लाहौर में ही मैंने ज़्यादातर पढ़ाया, 12 साल तो हो गए मुझे इसी काम में। तो ऑनलाइन ऑनलाइन मेरी क्लास यहाँ से अक्सर का मेरी क्लासेस फॉरेन कंट्रीज में होती हैं, CFA के लिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। बेसिकली मेरी कंपनी में एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब है और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ऐसा ही, और मेरी क्वालिफिकेशन भी ऐसी, फाइनेंस से रिलेवेंट मेरी जॉब है वो, फाइनेंस रिलेवेंट सारी आपकी स्टडीज को डील करता हूँ। एक बच्चा मुझे सर ये मॉरिशस में भी लोग पढ़ते हैं या दुनिया में हर जगह लोग पढ़ते हैं ना? दुनिया में हर जगह पढ़ते हैं, तो बस यही इसी तरह फिलहाल चल रहा। अभी एक दो दफा ओमान से ऑफर आई कि वहां पढ़ाने चला जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। अच्छा अब आपने करना है क्या, मैं आपसे ये डिस्कशन उसमें वाइंड अप करता हूँ। आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मॉडल कॉस्टिंग का डिफरेंस फाइंड करना, होता क्या है। कल आपके साथ मैं इसकी डिफरेंस पे डिस्कशन करूंगा कि डिफरेंस क्या है, और इसको लेके हम चलेंगे आगे। कल आपके साथ ही हम इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल कॉस्टिंग की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले आपने थोड़ी रिसर्च करके आने की डिफरेंस क्या है, दो फॉर्मेट मैंने बनाने हैं, एब्जॉर्प्शन में ये होता है मॉडल में ये होता है, टॉपिक खत्म हो जाना है। क्वेश्चन करेंगे कुछ इसके बाद फिर चलो वाइंड अप करेंगे, काफी चीजें हमने कर ली हुई। मॉडल कॉस्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, एब्जॉर्प्शन हमने समझ लिया हुआ। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मॉडल कॉस्टिंग के फर्क के ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, फिर हम यहीं पे स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गई ना आप? तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो, फॉर टुडे दैट, आज का ये रिफ्रेशर डे था और थोड़ा सा आपका टेस्टिंग डे था। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है, देखते हैं उसको चीजों को। कुछ वो बच्चे अभी भी स्लो स्लो चल रहे होते हैं। खैर सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सो टुमारो वी विल कंटिन्यू, सो थैंक यू वेरी मच बेटा।